हे गाइस, आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें एक भाई अपनी बहन से शर्त लगाता है और अगर वो जीत जाता है तो अपनी बहन के साथ वो इंटीमेट हो सकता है। तो मूवी का नाम है क्रूल इंटेंशंस और क्या है वो शर्त वो हमें आगे पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और आपको पसंद भी आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी थेरेपिस्ट से मिलने आया होता है। दरअसल वो एक प्ले बॉय होता है और थेरेपी के बाद वो उसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसी के जाने के बाद थेरेपिस्ट के पास उसकी बेटी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी कल न्यूज़ इंटरनेट पे डाल दिया है। तो वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछती है तो वो उसके लक्षण सुनकर थेरेपिस्ट जान जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन है और वो बाहर जाकर उसे गलियाने लगती है। तो वो नीचे खड़ा मुस्कुराता रहता है बस। और घर जाकर सेबेस्टियन अपनी स्टेप सिस्टर से मिलता है। दरअसल ये एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है। वहाँ कैथरीन से मिलने उसी की कॉलेज की एक लड़की सिजल अपनी मॉम के साथ आई थी। सिजल की मॉम ये चाहती थी कि वो सिजल की तरह स्कूल में फेमस हो, इसीलिए वो कैथरीन को उसकी जिम्मेदारी सौंप देती हैं। सेबेस्टियन जैसे ही घर आता है तो सिजल की मॉम उसे लेके वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि वो जानती थी कि सेबेस्टियन के लक्षण ठीक नहीं है। फिर सेबेस्टियन एनाइट की फोटो दिखाता है जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल की लड़की होती है जिसे वो पेलने के जुगाड़ में था। और एनाइट को फोटो देखने के बाद वो उससे बेट लगाती है कि अगर तुम इसके साथ इंटीमेट हो गए तो तुम मेरे साथ भी इंटीमेट हो सकते हो। तो पहले तो वो कैथरीन को मना करता है पर फिर वो सोचता है कि दो दो की मिलेगी तो वो बेट लगा लेता है। कुछ दिन बाद एनाइट सेबेस्टियन के घर आती है आंट के साथ अपने, और एनाइट को देखकर सेबेस्टियन उसके पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है बातों बातों में। तो उससे कहती है कि तुम उससे दूर ही रहो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस टाइप के लड़के हो। और फिर वो सेबेस्टियन पूछता है कि तुम्हें इससे किसने बताया, तो वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ कैथरीन सेजल के घर जाती है जहाँ पर वो वायलेंस सीख रही होती है। सिजल के टीचर रोनाल्ड के साथ सिजल का सिस्टम चल रहा होता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपने दोस्त के साथ यह पता न लगाने की कोशिश करता है कि एनाइट को उसके बारे में कैसे पता चला। तभी उसका दोस्त बोलता है कि उसका एक गे बेस्ट फ्रेंड है, ग्रे नाम है जिसका, उसी ने उसे बताया होगा। उसके बाद वो सेबेस्टियन एनाइट से मिलने जाता है, उसको वो एक बैग गिफ्ट करता है। उसके बाद वो उसे पूल में चलने के लिए कहता है तो वो चली जाती है। जब वो पूल में होते हैं तो फिर सेबेस्टियन उसके पास जाकर फ्लर्ट करने लगता है पर एनाइट उसे फिर से मना कर देती है। और उसी रात सेबेस्टियन को ग्रे का पता चल जाता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ ग्रे अपने बीएफ के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। उसके बाद वो ग्रे से पूछता है कि क्या तुम्ही ने एनाइट को मेरे बारे में बताया है, तो ग्रे मना करता है। तो सेबेस्टियन ग्रे को बोलता है कि पता करके बताओ कि मेरे बारे में एनाइट को ये सब कौन बता रहा है। अगले दिन वो एनाइट से पूछता है कि तुम्हें सेबेस्टियन के बारे में किसने बताया, तो वो कहती है कि मुझे सिजल की मॉम ने बताया है। फिर वो उसे कॉल करके सेबेस्टियन को बताता है कि सिजल की मॉम तुम्हारे बारे में उसे बता रही हैं। फिर वो घर आता है और यह बातें आके वो कैथरीन को बताता है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लेने में हेल्प चाहता हूँ। और फिर कैथरीन सिजल की मॉम के पास जाकर सिजल और रोनाल्ड के सिस्टम के बारे में बता देती हैं। और यह सुनने के बाद वो सिजल को बहुत डांटती हैं और रोनाल्ड को काम से भी निकाल देती हैं। जब रोनाल्ड घर जा रहा होता है तो उसे सेबेस्टियन और कैथरीन मिलते हैं जो कि उससे एक लेटर लिखने के लिए कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें सिजल बहुत प्यार करती है और तुम्हें उसके लिए लेटर लिखना चाहिए। और उनकी बातों में आकर वो उसे लेटर लिख देता है। और फिर वो सिजल को कहते हैं कि रोनाल्ड ने लेटर छोड़ा है तुम्हारे लिए मेरे पास, आकर ले जाओ। जब वो घर आती है तो सेबेस्टियन उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम बिना कपड़ों के क्लिक कराओगी तो और अच्छी लगोगी। सिजल उसे बात मानकर बिना कपड़ों क्लिक कराने लगती है। तभी फिर सेबेस्टियन उसके पास जाता है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है तो वो मना करती है। तो वो रोनाल्ड का लेटर उसकी मॉम को दिखाने की धमकी देता है। सेबेस्टियन की बात सुनकर वो डर जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और उसके बाद कैथरीन को बताती है कि वो रात में सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट हुई है। तो कैथरीन का बदला लेना पूरा हो जाता है। कैथरीन के बॉयफ्रेंड ने सिजल के चक्कर में उसे छोड़ दिया था और वो उसे सलाह देती है जिससे वो रोनाल्ड को सेटिस्फाई कर पाए। ऐसे ही करती रहे वो तो वो रोनाल्ड को जल्दी ही सेटिस्फाई कर देगी। और फिर सेबेस्टियन नाइट को देख रहा होता है वहाँ से जब वो घर आती है। और फिर कैथरीन उससे शर्त लगाते हुए कहती है कि अब तुम मुझे अपनी कार की चाबी दे दो क्योंकि अब तुमसे शर्त
हारने वाले हो। सेबेस्टन उससे बोलता है कि अभी शर्त कंप्लीट नहीं हुई है, मैं अभी भी उसके साथ एंटीमेट हो सकता हूँ। उसके बाद वो एनाइट के पास जाता है और वो उसे किस करने लगता है। एनाइट को ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो उसे दूर कर देती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो एनाइट से लड़ने लगता है। उनमें काफ़ी बहस होती है, फिर एनाइट वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, पर अब वो उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी। और उसी रात सेबेस्टन उसके कमरे में आता है और उसे सॉरी बोलता है, और वो उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए अब शहर से बाहर जा रहा है। पर जैसे ही वो जाने लगता है तो एनाइट उसके पास जाती है, उसे किस करती है। उसके बाद वो उसके साथ एंटीमेट होने के लिए अपने कपड़े उतारने शुरू कर देती है, पर सेबेस्टन अब उससे सच्चा प्यार करने लगा था तो वो उसके साथ एंटीमेट नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसके पास कैथरीन आती है, वो उसको लास्ट नाइट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि एनाइट के साथ वो एंटीमेट नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास मौका था पर तुमने तब भी नहीं किया, तो तुम उसके प्यार करने लगे हो। और फिर वो उसे बताती है कि एनाइट अब शहर छोड़कर जा रही है, तो वो तुरंत एयरपोर्ट जाता है। उसमें एनाइट वहाँ पे उसे मिल जाती है और वो उसे प्रपोज कर देता है और फिर वो हाँ कर देती है और फिर वो वहाँ पर किस करते हैं और वो घर आके एंटीमेट भी होते हैं। और अगले दिन कैथरीन उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम शर्त जीत चुके हो और तुम वो उसके साथ एंटीमेट हो सकते हो। जैसे ही वो उसे किस करने लगती है तो वो उसे दूर कर देता है और वो उसे कहता है कि अब मैं नाइट से प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि मैं उससे ये सब बता दूंगी, तुमने केवल शर्त के लिए उसके साथ प्यार किया है। और सेबेस्टन कहता है कि तुम क्या बताओगी, मैं खुद उसे बताने जा रहा हूँ। फिर वो नाइट के घर जाकर उसे सब बता देता है, पर सच सुनकर उसे गुस्सा हो जाती है वो, और फिर वो कैथरीन के साथ एंटीमेट होने के लिए कहता है घर जाकर, पर वो मना कर देती है और वो कहती है कि मेरा प्लान था तुम्हारा ब्रेकअप कराने का। फिर वो एनाइट के घर जाता है जहाँ पर उसकी माँ बताती है कि वो अभी घर पर नहीं है। तो वो वहाँ एक डायरी और लेटर वहाँ छोड़ के चला जाता है जिसमें एनाइट और कैथरीन के बारे में लिखा होता है। फिर वो यहाँ पर कैथरीन रोनाल्ड को बताती है कि सिजल और सेबेस्टन का सिस्टम चल रहा है। अगले दिन सुबह सेबेस्टन जब उसके घर के पास घूम रहा होता है तो एनाइट भी वहाँ पर उसके पास आ रही होती है। तभी वहाँ पर रोनाल्ड आ जाता है और सेबेस्टन को फुटबॉल बना के मारने लगता है। एनाइट उसे बचाने के लिए आती है तो वो उसे धक्का दे देता है, इससे वो सड़क पर गिर जाती है। तभी वहाँ से एक तेज कार आ रही होती है, पर सेबेस्टन उसे साइड करके वो बचाने के चक्कर में खुद कार से टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेबेस्टन का चर्च में रिचुअल चल रहा होता है, जिससे जैसे ही कैथरीन उसके बारे में बोलने वाली होती है तभी सब बाहर जाने लगते हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है तो सब सेबेस्टन की डायरी पढ़ रहे होते हैं, इसमें कैथरीन के बारे में सब लिखा होता है। यह पढ़कर उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है और बहुत धिक्कारा जाता है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना। इंस्टाग्राम पे हूँ मैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।